डियर लर्नर, MGGS इंग्लिश मीडियम के लिए आज हम कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए करने जा रहे हैं सिनोनिम्स, इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स। देखिए, फर्स्ट हमारा वर्ड है एबेंडन, त्यागना, जो एक वर्ब है। इसका सिनोनिम्स है गिव अप, त्याग देना, लीव और फोरसेक। तो यहाँ पर देखिए, ये वर्ड्स जो है एबेंडन के लिए यूज हो सकते हैं, गिव अप, लीव और फोरसेक। एबेंडन का मतलब होता है त्यागना। अब उसके बाद है एब्रेविएट, संक्षिप्त करना, किसी चीज़ को छोटा करना। सिनोनिम्स है इसके एब्रिज, कंडेंस और शॉर्टन। नेक्स्ट हमारा है एबडिकेट, पद त्यागना। सिनोनिम इसका क्विट, अबेंडन और सरेंडर। ध्यान रखना आपको इस शब्द को, एबडिकेट। एबिलिटी, प्रवीणता, योग्यता, इसके सिनोनिम्स है कम्पिटेंस, कैप एबिलिटी, टैलेंट और प्रोफिशिएंसी। नेक्स्ट हमारा है एबनॉर्मल, जो कि एडजेक्टिव है। सिनोनिम इसका क्या है, एनोमलस, पेक्यूलियर एंड डिफरेंट, असाधारण या प्रतिकूल। नेक्स्ट हमारा है एब्सेंस, जिसको हम बोलेंगे अनुपस्थिति। तो इसके सिनोनिम में डर्थ, जिसको मतलब कमी या अनुपस्थिति, डेफिशिएंसी और स्कैर्सिटी, कमी। एब्सोल्यूट, पूर्ण, शुद्ध, इसके सिनोनिम में कंप्लीट, एग्जैक्ट और जेन्युइन। नेक्स्ट हमारा है एब्सटेन, बचे रहना, पृथक करना। सिनोनिम में अवॉइड, डिक्लाइन और रिफ्रेन। नेक्स्ट हम चलते हैं अबंडेंट, प्रचुर, अधिक मात्रा में। सिनोनिम क्या है इसके, प्लेंटीफुल, फुल, बाउंटीफुल। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेलरेट, वर्ब है जल्दी करना। सिनोनिम है इसका एडवांस, एक्सपीडिट, हसन, हैसन और हरी, जल्दी करना। एक्सेंट होता है, एसेंट होता है जब दबाव, जोर देना। सिनोनिम है एम्फेसिस, स्ट्रेस, पिच और टोन। नेक्स्ट हमारा है एक्सेप्ट, स्वीकार करना, विश्वास करना। सिनोनिम है एक्वायर, गेन, ऑब्टेन, एक्नॉलेज, बिलीव और रिकॉग्नाइज। उसके बाद आगे चलते हैं हम एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है समीप में पहुँच करना। एडमिशन, एडमिटेंस, अप्रोच और एंट्रेंस। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में क्लैमिटी, कैजुअलिटी, डिजास्टर और कोलिजन, दुर्घटना के लिए यूज होते हैं शब्द। अकॉर्ड होता है स्वीकृति देना। सिनोनिम में एग्री, अलाउ, कन्फर और ग्रांट। एक्यूज होता है दोषी या अपराधी, देना ब्लेम, चार्ज, एट्रीब्यूट और क्रिमिनेट। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो MGGS के लिए हमने सिनोनिम्स के लिए तैयार किए हैं। पिछली बार ऐसे बहुत सारे शब्द थे जो सिनोनिम और एंटोनिम में पूछे गए थे, उसके लिए आपको कुछ बेसिक शब्दों को ध्यान में रखना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और भी अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद।